आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुनियादी तौर पे कल जो अलाइड पार्टीज़ फॉर करप्शन का फोरम मुनक्कद हो रहा है, जिसको आप लोग मीडिया में एपीसी कह रहे हैं, उसके हवाले से कुछ गुफ्तगू करना और कुछ हकायक आवाम के सामने रखना मकसूद और मतलूब था, जिसकी वजह से आज आपके सामने खड़ा हूँ। बुनियादी तौर पे आल पाकिस्तान लूटपार एसोसिएशन पिछले 2 साल से अनथक मेहनत करके उन्होंने एक अपना सब कमेटी बनाई, राहजन कमेटी। उस राहजन कमेटी ने कई इजलास मुनक्कद करने के बाद कल एक दफ़ा फिर अलाइड पार्टीज़ फॉर करप्शन का इजलास वो रखा हुआ है, और बुनियादी तौर पे एजेंडा एक ही है। वो एजेंडा ये है कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर करप्शन, बददियानती, अकरबा परवरी, मनी लॉन्ड्रिंग, जाली अकाउंट्स, लूटमार और हलवा बकौल मौलवी फजल रहमान साहब, इसको किस तरीके से प्रोटेक्शन दी जाए। और जो अपोजिशन लीडर और फिर जो जो अब्बा जी इस कंजे में आ चुके हैं, बेगम सफदर अवान साहब के अब्बा जी, बिलावल जरदारी साहब के अब्बा जी, उनको बचाने के लिए क्या क्या तरीक़ेकार इख्तियार किए जा सकते हैं और क्या क्या प्रेशर डेवलप किया जा सकता है पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत पे और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब पे। खामोश हो गए। उस सिलसिले में इन्होंने पहले FATF के बिल पास करने के हवाले से इन्होंने समझा कि यार 2 साल हमने पूरा लगाया कि हमें NRO मिल जाए, हमें PTI की हुकूमत से रिलीफ मिल जाए, हमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब के साथ कोई गिव एंड टेक का मौका मिल जाए। नहीं मिला, तो जब FATF का बिल पास करवाने की बारी आई तो इनकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। इन्होंने कहा अब तो पाकिस्तान की सर्वाइवर और बका की वजह से और हुकूमत पाकिस्तान जो मौजूदा हुकूमत है, जिसकी अव्वल व आखिर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकले, तो अब तो वो कम अज़ कम हमारे साथ कंप्रोमाइज़ करने पे और तावन करने पे मजबूर होंगे, क्योंकि नंबर गेम्स फेवरेबल नहीं थे सेनेट के अंदर। उन्होंने पूरी कोशिश की पिछले 2-3 माह के अंदर, और उन्होंने कोशिश की कि FATF के बिल के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग को डिटेक्ट करने, मनी लॉन्ड्रिंग को इन्वेस्टिगेट करने, मनी लॉन्ड्रिंग को प्रोब करने, मनी लॉन्ड्रिंग को तलाश करने, मनी लॉन्ड्रिंग के जितने करने वाले एयान अली की तरह, तीफी भट्ट की तरह के तोते और तोतियां, उनकी इन्वेस्टिगेशन करने, उनके पीछे जो उनके माई बाप आसफ जरदारी साहब, बिलावल जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब की तरह के उनके जो गुरु, उनकी इन्वेस्टिगेशन करने के हवाले से इस बिल के अंदर से नैब को निकाल दिया जाए। कहा यह गया कि नैब के पास तो कंपिटेंसी नहीं है, नैब के पास तो अथॉरिटी नहीं है, नैब के पास तो कैपेबिलिटी नहीं है, नैब के पास तो गट्स नहीं है, नैब के पास तो सलाहियत नहीं है कि मनी लॉन्ड्रिंग के जितने कर्ता धरता हैं उनको तलाश करने की। हैरानगी की बात है, उन्होंने फलूदे वाला निकाल के बता दिया नैब वालों ने, उन्होंने CM सेक्रेटेरिएट के निसार गिल से लेके, मसरूर अहमद से लेके, पापड़ वाले से लेके, फलूदे वाले से लेके, हर फर्द का उन्होंने रिकॉर्ड निकाल के रख दिया, फिर भी ये कहते हैं कि नैब वाले मनी लॉन्ड्रिंग को तलाश करने के हवाले से कैपेबल नहीं है। इन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन अल्लाह पाक के फजल व करम से, नबी पाक के सदके, अल्लाह ने मौजूदा हुकूमत को भी इज्जत और एहतराम से नवाजा और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब को भी इज्जत और एहतराम से नवाजा, वो FATF का बिल भी पास हो गया। अब ये आखिरी हथकंडे के तौर पर इन्होंने कल अलाइड पार्टीज़ फॉर करप्शन का फोरम रखा हुआ है। इस अलाइड पार्टीज़ फॉर करप्शन और इस आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन, इसके 2 पिलर हैं, एक आले शरीफ, एक आले जरदारी। इन पिलर्स के अलावा एक बी जमालो है, वो है मौलवी फजल रहमान साहब, वो हलवे की तलाश में है,
उन्हें हलवा नहीं मिल रहा और उनकी दिल की बात, वो कहते हैं ना दिल की बात कहीं लब पर ना आ जाए कि मजदाक, आज से एक हफ्ता पहले उनकी दिल की बात लब पे आ गई। उन्होंने कहा कि इस अलाइड पार्टीज फॉर करप्शन के फोरम में हम तय करेंगे कि हलवा सारे का सारा हुकूमत ने खाना है कि कोई हिस्सा अपोजिशन को भी मिलेगा। मौलवी फजलुर रहमान साहब उस हलवे के चक्रों में हैं, लेकिन उनकी इतला के लिए अर्ज है, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब पाकिस्तान के हीरो हैं, पाकिस्तान की शान है, पाकिस्तान की आन है, पाकिस्तान की जान है, और पाकिस्तान को पिछले 35-40 सालों से नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इज्जत और एहतराम की जो विक्ट्री स्टैंड है उस पर नंबर वन पे रखने की ना सिर्फ ख्वाहिश रखते हैं बल्कि तजर्बा भी रखते हैं। उन्होंने कभी पाकिस्तान को लेट डाउन नहीं होने दिया पिछले 40-45 सालों में, तो इंशाल्लाह अब की बार भी वो पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के ख़जाने को हलवा नहीं समझते, वो जिम्मेदारी समझते हैं, वो पाकिस्तान के ख़जाने को एक अमानत समझते हैं, ना वो खाते हैं ना वो खाने देते हैं। तो मौलवी फजल रहमान साहब आप अपने जहन का ये खन्नास निकाल दें कि पाकिस्तान का ख़जाना हमारे लिए कोई हलवा है। हाँ, अब की बार आपको हलवा नहीं, आपको एहतसाब का जलवा नज़र आएगा, आपको पुष्प प्रतीत का जलवा नज़र आएगा, आपको डंडे का जलवा नज़र आएगा, आपको इन्वेस्टिगेशन का जलवा नज़र आएगा, आपसे अकरबा परवरी की पुष्प प्रतीत का जलवा नज़र आएगा, आप उस जलवे की फ़िक्र करें। तो कल जो APC मुनक्कद हो रही है बुनियादी तौर पर वो दो पिलर आले शरीफ आले जरदारी, एक TT के अलमबरदार, एक जाली अकाउंट्स के अलमबरदार, और दोनों का बिल्कुल वही हालत है, तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों की एक कहानी है, आले शरीफ और आले जरदारी, कहानी करप्शन की, गम एहतसाब का। तो जनाब ये वो एजेंडा है जिसके तहत कल ये दोस्त यार बैठेंगे, 73 के आइन के तनाजुर में 74वीं ये APC मुनक्कद करेंगे, लेकिन हासिल वसूल रुसवाई जग हसाई के अलावा और कुछ नहीं होगा। और आखिरी चीज़, बड़ा टेम्पो बनाया जा रहा है जी, बेगम सफदरवान साहिबा भी वहाँ पे आ रही हैं, पिछले 4 साल की हिस्ट्री शायद है पाकिस्तान की सियासत की और नून लीग की सियासत की, जिस काम में बेगम सफदरवान साहिबा ने हाथ डाला वहाँ से जिल्लत रुसवाई और जग हसाई के अलावा और कुछ नहीं निकला, उनकी ज़ात से लेके उनके ख़ानदान से लेके उनकी पार्टी से लेके उनके अदारे से लेके हर किसी के लिए, वो आपकी लीक्स हो जो उन्होंने की थी परवेज रशीद साहब के ज़रिए से उस वक्त से लेके पनामा लीक से लेके आज तक, बेगम सफदर अवान साहिबा की हिस्ट्री है जिस चीज़ पे हाथ डालेंगी बेड़ा गर्क कर देंगी, अपने वालिद साहब की सियासत का बेड़ा गर्क, अपने वालिद साहब की हस्ती बस्ती सियासत और अंपायर का बेड़ा गर्क, अपने मियाँ का चलता फिरता घर का बेड़ा गर्क, अपनी पार्टी का चलता फिरता इकतदार का बेड़ा गर्क, सारा कुछ बेड़ा गर्क और सत्यानाश और सवा सत्यानाश। तो कल अगर वो इस APC में भी आ गई तो जनाब रिजल्ट आप खुद ही निकाल लें कि उसका भी बेड़ा गर्क। और एक मिनट आखिरी चीज़, और फिर इस APC का रिजल्ट मैं अभी आपको बता दूं, नतीजा अभी निकाल देता हूं, 0 + 0 = 0 - 0 = 0, बस ये इसका रिजल्ट है जी। ये बताएं, अगर कल पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें जो APC में इकट्ठी होने जा रही है, इस वक्त आपके इत्तेहादियों में से काफ़ी है या एक फहमीदा मिल सकता है, अगर ये सारी सियासी जमातें अनाउंस करके सड़कों पर आ गई पार्लियामेंट के बाद, पार्लियामेंट में भी इनके पास अच्छे खासे वोट है और सड़कों पर अगर आ गई, तो आपकी जो एक सादा अक्सरियत की हुकूमत मरकज में और पंजाब में है किस तरीके से काउंटर करेगी इसे? देखिए बात यह है, ख्वाजा नसीर साहब ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, अभी परसों तो जनाब 32 वोट इनसे नहीं संभाले गए, सेनेट के इलेक्शन के अंदर इनसे वोट नहीं संभाले गए, मैं पिछले कई माह से एक बात कर रहा हूँ कि 50 MPAs हैं पंजाब असम्बली के अंदर और 40-50 आपके MNA और सेंटर्स हैं
जो आले शरीफ और आले जरदारी की करप्शन और बदयानती जो खसूसन पिछले दो सालों में नैब ने विजिलेंट किस्म की इन्वेस्टिगेशन के जरिए से बेनकाब की है, इनकी चौथा चलाकियाँ उसके पास इनके ये MNA MPA सेंटर मुतनफ़र हैं इनसे, बस मजबूरी है कि उस प्लेटफॉर्म से इलेक्ट हुए हैं। और फिर ये जो नवाज शरीफ साहब अभी 10 बहाने करके ले गया दिल के मजदाक जनाब बाहर भागे हैं और वहाँ से फूने कर रहे हैं अपोजिशन लीडर्स को कि जनाब अब किसी ने नैब की पेशियों पे नहीं जाना, अब अदालतों की पेशियों पे नहीं जाना। ये बिल्कुल वैसे ही है कि नवाज शरीफ साहब ने फरमाया तू जाते मैं आया, खुद बैठे हैं बाहर, इधर जनाब दूसरों को नसीहत, खुद भी फसीहत, दूसरों को कहते हैं भाई जी आपने नैब की पेशियों पे नहीं जाना, आपने जेल भरो तहरीक शुरू करनी है। जनाब नवाज शरीफ साहब जेल भरो तहरीक शुरू करें, सबसे पहले हसन नवाज साहब को भेजें, उसके बाद हुसैन नवाज साहब को भेजें, उसके बाद अली इमरान साहब को भेजें, उसके बाद आपके जनाब इसहाक डार साहब को भेजें, फिर इसहाक डार साहब के बच्चे अली डार साहब को भेजें, फिर सलमान शहबाज साहब को भेजें। और जनाबे वाला ये इस अंदाज से जेल भरो तहरीक शुरू करो ताकि वो हलवा के दिलदादा मौलवी फजल रहमान साहब को भी हौसला आए कि जनाब पहले ये आले शरीफ ने जेल भरी है उसके बाद हम भी जेल भर दें, वो अलग बात है उनके लिए जेल का कमरा भी बड़ा छोटा पड़ेगा जनाब, लेकिन इस अंदाज से जनाब सियासत नहीं होती जिस अंदाज से वो कर रहे हैं। देखिए उसके हवाले से बड़ी चीज़ क्लियर है, वो शाहिद अकरम गोंदल है DG एक्साइज, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके कागज़ों से उनके साइन से वो लाइसेंस मिला था और वो कार्रवाई जैसे जैसे आगे बढ़ेगी जो है वो आपको बाकी डिटेल। ये बताइएगा कि नवाज शरीफ कल वर्चुअली APC में शिरकत कर रहे हैं, आप वो पाकिस्तान तो आ नहीं रहे, तो PTI क्या एक्शन लेगी कि एक बंदा जो बीमार होकर बाहर गया हुआ है वो अगर विचुअली यहाँ पर APC में शिरकत करते हैं और कोई बड़ा ऐलान उनकी मौजूदगी में होता है तब PTI क्या एक्शन लेगी? नवाज शरीफ साहब के हवाले से मैं यही कहूँगा, तेरे जाने का गम और ना आने का गम फिर जमाने का गम क्या करे, सूरत हाल तो इस वक्त उनकी ये है, लेकिन मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, इश्तिहारी और मफरूर अगर पॉलिटिकली रियासत के मामलात के अंदर इन्वॉल्वमेंट करेगा तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स और उसके जो रिपरकशंस हैं वो इंतहाई सख्त और नेगेटिव होंगे। ये मेरी बात सुन लें, ये नून लीग भी सुन लें, बेगम सफदरवान साहिबा भी सुन लें और नवाज शरीफ साहब भी सुन लें। बेगम सफदरवान साहिबा भी मुजरिम हैं इस वक्त रियासत की, आइन की, कानून की और मुल्क के कानून की, और नवाज शरीफ साहब भी मुजरिम भी हैं और मफरूर भी हैं और इश्तिहारी भी हैं। उनकी तरफ से अगर कोई किसी किस्म की रियासत के खिलाफ मुल्क के पुरअमन सियासी माहौल के हवाले से कोई नेगेटिव एक्टिविटी आएगी तो उसके रिपरकशंस जो है ना वो फिर संभाले नहीं जाएंगे। आपने APC होती दिखाई नहीं दे रही थी, ऑपोजिशन एक प्लेटफॉर्म पे नहीं इकट्ठी हो पा रही थी, लेकिन जब से नवाज शरीफ साहब के पीछे आप लोगों ने दौड़ लगाई और ब्रिटिश हुकूमत से रब्ता किया उसके बाद से ये APC होने जा रही है, तो आपके प्रेशर की वजह से ऑपोजिशन इकट्ठी हो पाई है? देखिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर बताऊँ, इस APC में भी कुछ नहीं रखा हुआ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर मैं बताने लगा हूँ। शहबाज शरीफ साहब के मामला सेट हैं, शहबाज शरीफ साहब अपनी और अपने बेटे की जान बचाना चाहते हैं, उनकी बला से बेगम सफदरवान साहिबा बाहर जाती हैं या अंदर रहती हैं, उनकी बला से उनका भाई जो है वो बाहर से आता है कि जाता है, उनको अपनी पड़ी है, उनकी 21-22 तारीख को शायद मेरे ख्याल उनका भी फैसला आने वाला है, उनके खिलाफ बड़े मजबूत किस्म के सबूत मौजूद हैं। वो तो कहते हैं ना वो हरा समंदर गोभी चुंदर बोल मेरी मछली कितना पानी, इतना पानी, वो इतने पानी तक जो है वो डूबे हुए हैं, एहतसाब इन्वेस्टिगेशन जुर्म करप्शन बदयानती का जो इतना पानी है ना उनके माथे तक पहुंचा हुआ है, वो रिस्क नहीं ले सकते, वो इस वक्त रिस्क नहीं ले सकते कि अपने भाई जिसकी सियासत ख़त्म है, जो पाकिस्तान की अदालतों से ताहयात और वाहयात नाहल हो चुका है, शहबाज शरीफ साहब पागल है उसके पीछे अपनी सियासत का भी बेड़ा गर्क करें। एक मिनट
और दूसरा जनाब आपके हैं बिलावल जरदारी साहब। बिलावल जरदारी और आसिफ जरदारी साहब, जनाबे वाला ये जो 31 बंदे नहीं आए, ये शहबाज शरीफ साहब के और आसिफ जरदारी साहब की मर्जी से नहीं आए। आखिरी सवाल, ये वो पता है जिनको जाना सारा। आखिरी सवाल चौहान साहब, अगर कोई सड़कों पे आ जाते हैं तो फिर डांग छोटा चलेगा उसी तरह जिस तरह वहां पर नैप के बाद चले। आखिरी सवाल का आखिरी जवाब, मैं 2 साल से एक बात कह रहा हूं और चैलेंज के तौर पे कह रहा हूं, और मेरे मुंह से कम से कम जज्ती या कोई और कहे तो मैं नहीं कहता, मैं सियासी कारकुन हूँ, झूठा 302 काटा हुआ है अपनी सियासी ज़िंदगी में, सच्चा 307 भी सियासी काटा हुआ है, 40 दफ़ा हवालात काटी हुई है, 40-45 दफ़ा मार खाई है, खून से सर से लेके पाँव तक खूनों खून हुआ हूँ, मेरी हिस्ट्री है। मैं दावे से कहता हूँ, एक मिडिल क्लास का पॉलिटिशियन हूँ, अगर मैं दावे से कहता हूँ कि बेगम सफदर अवान साहिबा 51 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत पे बगैर छतरी के, बगैर तंबू के, बगैर कनातों के, वो 1 घंटे के लिए शाराए दस्तूर के ऊपर या माल रोड के ऊपर बैठ जाएं या खड़ी हो जाएं, और दूसरा वो छोटू जरदारी, बिलावल जरदारी साहब, वो उसको भी मेरा चैलेंज है, उसको 51 भी नहीं मैं कहता, उसको कहता हूँ 41 सेंटीग्रेड के ऊपर भी वो बेचारा खड़ा हो जाए बगैर तंबू कनातों के 1 घंटे के लिए, तो मैं मान जाऊंगा यार तुम लोग सियासी लीडर हो। इतना आसान है तहरीक चलाना? ये जाली काउंट्स नहीं है, ये जाली टीटियां नहीं है, ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, ये एआर अली के जरिए से जो है वो करोड़ों रुपए बाहर भजवाने का मैकेनिज्म नहीं है, ये तीफी भट्ट के जरिए से करोड़ों अरबों रुपए का सोना जो है वो अपनी हुकूमत और इकतदार की छतरी तले बाहर मनी लॉन्ड्रिंग करना नहीं है। सियासी तहरीकें चलाने के लिए बड़ा दिल गुर्दा चाहिए, और मैं अक्सर ये कहता हूँ, आखिरी सवाल है, अक्सर मैं कहता हूँ गोरों की ना कालों की दुनिया है दिल वालों की, दिल और जिगरा मुल्क और कौम के लिए, अपने दीन, अपने मजहब और अपने माशे के लिए, तो जो करप्ट होता है, जिसने मुल्क को लूटा होता है, जिसने माशे और सोसाइटी को लूटा होता है, उसका दिल और जिगरा नहीं होता।